आधुनिक युगर विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग फल मनीष सृष्टि अनेक जटिल जंत्र जंत्र निर्माण और उपयोग संपर्क में चिंता कले साधारण मनीषटीए मुंडे हाथ दिए किंतु प्रकृति द्वारा निर्मित जीवित जंत्र सबुठारु अधिक जटिल प्रक्रिया समन्वय सहित गतिशील होता मनीषटीए विषय भाविबाकु केही चिंता भी करिनी। निर्दिष्ट भावरे विभिन्न अंग प्रत्यंग स्वतंत्र जीवन प्रक्रिया संभालुथिबा बेले समन्वयर दायित्व निर्वाह करिथाय ब्रेन बा मस्तिष्क। आमर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थाए ता भितरे ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड रहे आउ बाकी सबू पाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जोड़ा के नर्व सब पेरिफेरल नर्व सब था। ब्रेन हला तांकर मुख्यतः दीटा पार्ट रहे गोटे लेफ्ट साइड अच्छी राइट साइड अच्छी जोटा को आम कहा जाए फोर ब्रेन आ गोटे पार्ट है तार मझीर अच्छी जोटा है मिड ब्रेन आउ सबा तल पार्ट है हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन टा है बड़ बा बिग ब्रेन कहा जाए हाइंड ब्रेन बा सेरेबेलम जोटा अच्छे छोट ब्रेन कहा जाए। या द्वारा आम कौन करुचे बाहर सब जिनस देखिपे शुणी पारे कथबार्ता करे बुझीपे उत्तर दौचे आ ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड मिसिले आ पेरिफेरल नर्व मिसिले आमर ब्रेन द्वारा बाहर जिते जिनस देखुचे शुणुचे कथबार्ता करुचे कि स्मेल करुचे ये सबुड़ाक ब्रेन इंटरप्रिट हो पुणी नर्व द्वारा से पेरिफेरिक जाए इंटरप्रिट सब कर पाद ठारु आरंभ करि मस्तिष्क पर्यंत थिबा मनीष शरीरर समस्त बाह्य अंग एवं अभ्यंतरीण अंग को नियंत्रण करथिबा ब्रेन रे बेले बेले समस्या उपजे। मस्तिष्क रे साधारण जेमिति अलगा जागा रे आमर लंग हेला एब्डोमिनल कैविटी हेला जीआई ट्रैक्ट हेला किंबा अलगा जागा रे जो भेला सब बीमारी ब्रेन मध्ये सब सेही प्रकार बीमारी हे पारिबो जेमिति अलगा जागा रे इन्फेक्ट चेस्ट इन्फेक्शन सेमिति ब्रेन रे इन्फेक्शन हे पारिबो इंजुरी हेले ब्रेन आघात हे ब्रेन रे ट्यूमर हो पारे ता छड़ा बहुत रकम बीमारी ब्रेन हुए जोटा कि मनीषर ब्रेन को अफेक्ट कर पारे। मस्तिष्क रे देखा जाउथिबा अनेक विकार मध्यरे ब्रेन ट्यूमर बा मस्तिष्क अर्बुद अन्यतम बेले बेले एही ट्यूमर को सठिक समय चिकित्सा न कराइले यह कैंसर रे रूपांतरित होइथाए। ब्रेन ट्यूमर कौन हुए आमर ब्रेन रे मु जेमती कहिली ब्रेन हेला तीन भाग रे मुख्यतः विभक्त गोटे फोर ब्रेन गोटे मिड ब्रेन आ गोटे हैंड ब्रेन फोर ब्रेन रे ता मझे सेपरेसन थी दुईटा हेमिस्फीयर डिवाइड करा जाइछि सेटा हला राइट साइड और लेफ्ट साइड किछि फंक्शन राइट साइड ब्रेन करा जाए और किछि फंक्शन लेफ्ट साइड करा जाए ता भितरे सब सेल्स रहिछि एही सेल गुडा जेतले अबनॉर्मल हो जाए तार जेतले डीएनए रे कोनोसी चेंजेस आसे जल्दी से सेल गुडा को बढ़ी चले अबनॉर्मल ग्रोथ हुए सेल रो ताको हम ब्रेन ट्यूमर बोली कहवा। यही ब्रेन ट्यूमर टा एटा प्राइमरी हो पारे तार तो ब्रेन रु आसी पारे किंबा अलगा जगह आसी पारे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जोटा तार जमती सेल सब रही ब्रेन भितर विभिन्न रकम सेल रही आस्ट्रोसाइट्स अच्छी ता देह जो ट्यूमर टा बाहर से आस्ट्रोसाइट कहवा ता भितर ओलिगोडेंड्रोसाइट बोली गोटे सेल अच्छी सेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट बोली कहवा ब्रेन रो जो कवरिंग अच्छे आम मेनिजाइस बोली कहे ता देह जो ट्रेन ट्यूमर आसमें मेनिजुआ बोली कहवा आउ अलग जो ग्लांड सब रही जमी आम गोटे पिट्यूटरी ग्लांड अच्छी जोटा मास्टर पिट्यूटरी ग्लांड बोली कहे ता देह जो ट्यूमर बाहर आम कह पिट्यूटरी ट्यूमर बोली पिट्यूटरी एडेनोमा बोली कहवा आ गोटे ग्लांड से पाइनियल ग्लांड अच्छे से पाइनियल ट्यूमर रोबे गोटे पाथोलोजिकल क्लासिफिकेशन गोटे ग्रेडिंग सिस्टम आजिकाल आम जो कर मॉलिक्युलर बायोलॉजी सिस्टम आसला मॉलिक्युलर बायोलॉजी सिस्टम आम ब्रेन ट्यूमर क्लासीफाई करूँ ओवरऑल कह गले ब्रेन ट्यूमर ब्रेन भितर आसव तार कवरिंग आसव कि ग्लांड अच्छे ता भितर ब्रेन ट्यूमर हो पारे ता छड़ा बॉडी अन्न्य अंग रु जदि आसला यही ब्रेन जो ट्यूमर आम प्राइमरी ट्यूमर बोली कहवा किंतु जोटा बाहर अंगे आम बॉडी बाहर अंगे ट्यूमर हो ब्रेन भितर आस सेकेंडरी कि मेटास्टेटिक ट्यूमर बोली आम कहूँ
साधारण तो लेडीज मानकर जदि ब्रेन रे सेकेंडरी हला सेटा ब्रेस्ट रु किंबा ओवेरियन ट्यूमर किंबा तांकर जो सर्वाइकल ट्यूमर से थ्रु हुए। मेल मानकर प्रोस्टेटिक ग्लैंड रु हला लंग्स रु हला थायराइड रु हला पेट रु जदि कैंसर हो सेटा ब्रेन मध्ये जाई पारे स्प्रेड करि पारे जोटा आम सेकेंडरी ट्यूमर बोली कहचे। मस्तिष्क बा ब्रेन भली एक गुरुत्वपूर्ण अंग रे दुई प्रकार मुख्य अर्बुद बा ट्यूमर देखा जाए मृदु और द्रुत वृद्धि। द्रुत वृद्धि अर्बुद मानक दुई भाग विभक्त करा जाए जेतेले जो नॉर्मल सेल गुड़ाक से म्यूटेशन है तार डीएनए गुड़ाक नष्ट हो रैपिडली से अबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन करे से ब्रेन ट्यूमर हुए। मुख्यतः देखाई जदि कौन कारण बॉडी रेडिएशन दिया जाए से ब्रेन ट्यूमर होबार संभावना रहुछ जहाँ देखाई जदि किसी इंजुरी होती बहुत वर्ष पर किसी मेनिंजेस किसी ट्यूमर हो पारे जोड़ा आम मेनिंजो बोली कहे कि अलग रकम ट्यूमर ट्रमार बहुत वर्ष पर हो पारे ब्रेन इंजुरी बहुत वर्ष पर हो पारे। तृतीय जिनस है जेनेटिक जदि फैमिली रे किसी ब्रेन ट्यूमर अच्छे जदि फैमिली रे कार होती अलग ऑफस्प्रिंग रे अन्य मानकर होबार संभावना बहुत रहा। ब्रेन ट्यूमर बा मस्तिष्क अर्बुद सृष्टि होबा परे शरीर रे अनेक विकार सहित जीवन प्रक्रिया रे विलक्षण देखा जाए। प्रथम हला जार मोटे मुंडो बिंधा नथिबो धीरे धीरे किछि एरिया ब्रेन रे स्कल उपरे दरज हबो जोटा कि धीरे धीरे बढ़ी चलिबो। प्रथम हला मुंडो बिंधा हबा सेटा हला लक्षण ब्रेन ट्यूमर। सेकेंड जिनस हला बांति लागिबो किबा धीरे धीरे बांति बढ़िबो किंबा जोर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जोटा कहते बारंबार बांति हो मुंड बिंधा सहित बांति हो सेटा द्वितीय लक्षण। तृतीय लक्षण है धीरे धीरे जो ब्रेन भितर प्रेसर बढ़ो ताहले आम देखा भिजन आम जो देखुचे से झापसा देखा कि दुई दुईटा देखा किंबा सेटा बेले बेले आमको देखा जीव ना कौन सी ट्यूमर थाए जदि जो भिजन न रूप प्रेसर पकेब भिजन पड़े। तृतीय जिनस जहाँ कहली देखार असुविधा हम चतुर्थ जिनस है जदि से ट्यूमरटा ब्रेन सरफेस उपर रहे से फिट्स प्रेजेंट करें ता छड़ा जदि ब्रेन लेफ्ट साइड कौन सी ट्यूमर रोचे आम कह से बंद हो जो आम डिस्फिजा कह आम बुझीपरबानी कि फ्लुएंस कहीपरबानी से असुविधा हम। नेक्स्ट जो बढ़ो आम तीन इलाज नक कि कौन सी जगह जाखले बढ़ी चलो ब्रेन ट्यूमर ताहले गोटे अंग हात हो किंबा गोड़ हो गोटे पटर हो किंबा दुई पटर हात गोड़ हो सेटा धीरे 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 पारालीस हम जोटा आम कहे पक्षाघात कहे ब्रेन ट्यूमर पक्षाघात हो पाए। आदि तार ब्रेन ट्यूमर भितर बेले बेले ब्लीडिंग हो जाए ब्लीडिंग है ब्रेन प्रेसर बहुत बढ़ी जब लोक सांगे सांगे जो लोक कन्सीयस थी से बेहोस हो जापर। अत्याधुनिक जुगरे जुगोपयोगी जंत्रपाति विशेष पद्धति गुड़िकर प्रयोग बल रोगर स्थिति एवं व्यापकता को सठिक भाव जापार विशेषज्ञ आम कटक मेडिकल कलेज 81 मसीहार जमी अल इंडिया इन्यूट न्यूदिल्ली आसला हेड स्कानर बोली गोटे स्कान आसला जहाद्वारा आम ब्रेन ट्यूमर ब्रेन स्कान कले ब्रेन ट्यूमर जमापड़ी एक्सरे कले विशेष किसी जमापड़न कि सीटी स्कैन ब्रेन जोटा सेटा निहाती दरकार किंतु किसी ब्रेन ट्यूमर अच्छी जोटा सीटी स्कैन द्वारा आम निरूपण भल भाव करना आजिकल जो एमआरआई स्कैन अवेलेबल है या व्यतीत आमर बेले बेले डायग्नोसिस आमको दरकार पड़े गोटे अच्छी पेट स्कैन कि स्पेट स्कैन से सब फैसिलिटी धीरे धीरे लास्ट 4-5 वर्ष भीतर ओडिशा भीतर आसीगला सेटा दरकार पड़ पारे। समस्त प्रकार अर्बुद लक्षण देखती मस्तिष्क अंश भेद रे अलगा हुए मुंड व्यथा बात मारिबा दृष्टिदोष बांति एवं मानसिक परिवर्तन भली लक्षण प्रकाश हेउतिबा एई मस्तिष्क अर्बुदर चिकित्सा संपर्क रे जानिबा आसंतु। जदि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करिया पाइ दरकार सेति पाइ मुख्यतः 5-6 इक्विपमेंट जोटा निहाती दरकार जोटा कि आमर पेट ऑपरेशन किंबा अन्य कोनसे ऑपरेशन दरकार पड़े ना सेटा है जमी आम कहे ऑपरेशन गोटे भल ऑपरेटिंग टेबुलटे निहाती दरकार। द्वितीय सरला आमर हाड़ काटापा जो स्कल हाड़टा काटले ब्रेन ऑपरेशन करटापा आगुरु भल ड्रिल सिस्टम नथिला आजिकल बहुत बढ़िया ड्रिल सिस्टम अच्छे। तृतीय जिनस है आमर जो माइक्रोस्कोप आम जो ऑपरेशन करूचे आका माइक्रोस्कोप नथिला आजिकल भल भल माइक्रोस्कोप मिलला माइक्रोस्कोप आम ऑपरेशन कले कौन ऑपरेशन करुचे को एरिया ऑपरेशन कर देखिपर ता छड़ा माइक्रोस्कोप एभलिया फैसिलिटी अच्छी जे आम कि डाई देले ट्यूमरटा आम भल भाव देखिपर।
आम जो ब्रेन ऑपरेशन करे ब्रेन रो ट्यूमरटा बहुत डीप थे सेड़ा सहज देखा जीवनी आम जो ऑपरेशन कर चेष्टा करवा आम नॉर्मल आउ भल ब्रेन जोड़ा कि इलोक्वेंट ब्रेन बेले बेले काटा दरकार अवॉइड करने आजिकल अल्ट्रासाउंड इंट्रापिटर अल्ट्रासाउंड आउ आमर जो कहते नाविगेशन सिस्टम सेड़ा भितर अवेलेबल अच्छी आउ जिते टर्शियरी केयर हॉस्पिटल अच्छी सब नाविगेशन सिस्टम आउ इंट्रापिटर अल्ट्रासाउंड दरकार पड़ी। डाक्तरी परीक्षा एमआरआई सीटी स्कैन करी रोग निर्णय करा जाए। बायोप्सी द्वारा कर्कट संपर्क जना पड़े एवं यहार भयावहता जना पड़ी सारिबा परे ग्रेडिंग करा जाए। ऑपरेशन रेडिएशन थेरापी और केमोथेरापी रे चिकित्सा करा जाए। ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन आमे कर देले सेटा कंप्लीट नो आमे ताको कोन करू ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन करले आमे तारो जो स्पेसिमेनटा बायोप्सी पठा जाए आमर आजिकल सब न्यूरोपैथोलॉजिस्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से माने ताकु निरूपण करनी कौन अच्छी सेटा देखिए सेटा कैंसरस कि बिनाइन ट्यूमर जदि सेटा बिनाइन ट्यूमर बाहर जिन मेनिंजियोमा जोटा ग्रेड वन तार फर्दर ट्रीटमेंट आम पूरा बाहर करदे आउ फर्दर ट्रीटमेंट दरकार ना सेमती जदि ग्रेड वन ग्लायोमा हला सेथिरे आउ किछि पूरा ट्यूमर बाहर कर देले किछि आउ दरकार पड़ो किंतु जोटा हाई ग्रेड ग्लायोमा बा मालिग्नेंट आस्ट्रोसाइटोमा ग्लायोब्लास्टोमा ग्रेड टू थ्री मेनिजियोमा किंबा अलग जो सब कैंसरस ट्यूमर अच्छे तापाई ऑपरेशन निदान हो सारापर जिते मुंड घाटी सुखीज आम जेनेली पंदर दिन पर डाकू स्टीज बाहर के देखू जदि घा सुखी जाए तो स्टेज में जोड़ा कैंसरस तेरे लाइट पड़े रेडियोथेरापी आउ केमोथेरापी दिजा रेडियोथेरापी बहुत आडभांस है गोटे है आम कोबाल्ट बेस्ड रेडियोथेरापी जोटा कि 30 40 डोज दि जाए किंतु आजिकल आउ जो वैरायटी रेडियोथेरापी अच्छी जोटा को स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरापी से एक्स नाइफ द्वारा कि गामा नाइफ द्वारा दिहर गोटे सिंगल डोज रेडियोथेरापी दिहब कि तार लिमिटेसन अच्छे सब ट्यूमर में गामा नाइफ थेरापी एक्स नाइफ थेरापी देहबनी किसी ट्यूमर में से सब देहब से जो छोटिया रहीगल रेसीडुआल रहा किंवा नर्व ट्यूमर जमी भेस्टुल स्वर्णमा है पिट्राइड ट्यूमर है ये आम गामा नाइफ दे पारा से किसी ट्यूमर केमोथेरापी साथ साथ दिजा बेले बेले केमोथेरापी जो रेडियोथेरापी ता सहित दिजा तेणु तार निदान हो सारापर जिते जाणी बिनाइन ट्यूमर कि कैंसरस ट्यूमर और मालिग्नेंट ट्यूमर से अनुसार कौ तार ग्रेड अच्छी यही सब हो सारापर आम रेडियोथेरापी केमोथेरापी किसी केस देवाक पड़े से दिजा उचित आउ प्रति तीन तीन मस वर्षे पर्यटन फॉलोअप करूँ आउ बिनाइन ट्यूमर दुई वर्ष पर फॉलोअप करा दी ठीक ठाक था फॉलोअप करा दरकार पड़ी ना कि मालिग्नेंट ट्यूमर फॉलोअप कर तार प्रोग्नोसिस से भल नुहे रेगुलरली फॉलोअप करा निहाय दरकार। समस्त चिकित्सा सत्वे डाक्तरखाना जीवापर मध्य नियमित विशेषज्ञों परामर्श आवश्यक होता है रोगी एवं संपर्क ए दिगरे दायित्ववान होगा जरूरी।